रोहतास जिला सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालगंज में उर्वरक की एक दुकान में भीषण चोरी का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि ज्योति फर्टिलाइजर नामक दुकान से चोरों ने बीती रात कार्यालय का ताला तोड़कर तकरीबन 8 लाख रुपए ले उड़े। दुकान के मालिक ज्योति प्रकाश ने बताया कि जब वह सुबह अपने ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस का दरवाजा खुला पाया। दरवाजा खुला देख कोई बड़ी वारदात की आशंका हुई। जैसे ही अपने ऑफिस में प्रवेश किया उन्होंने अपना पूरा सामान बिखरा पाया। उन्होंने बताया कि चोरों ने कार्यालय में लगे तकरीबन आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दुकानदार के अनुसार तकरीबन 8.5 लाख नकदी की चोरी है। घटना की सूचना मुफस्सिल थाने को दे दी गई है। पुलिस घटना की जांच में लगी हुई है। अच्छा, ये बताइए कि कैसे घटना हुआ? सुनने में आया है कि चोरी का मामला है, क्या हुआ है? जी सर, चोरी नहीं है, डकैती मेरे तो शॉप में हुआ है, मेरे ऑफिस में। हमारा जो है सुबह सुबह गाड़ी जो खाद लोड करके लाया था, सुबह 5 बजे कॉल किया। कॉल करने के उपरांत जब मैंने दुकान पे आया, दुकान पे आने के बाद देखा कि मेरी बाहर का जो ऑफिस है, ऑफिस का दरवाज़ा खुला हुआ है। बस में पता चला कि लगता है कुछ अनहोनी हुई है। अनहोनी को मैं शक करते हुए मैंने अपने नीचे से शटर को खोला, शटर को उठाया तो मेरे कैश काउंटर से सारे के सारे पैसे नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे को नष्ट कर दिए गए थे। इसके बाद जब मैंने ऑफिस में आया तो ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरे के जो भी उपकरण लगाए हुए थे सारे के सारे चोरी कर लिए गए हैं। इसके उपरांत मेरे वहाँ ही पर गोदरेज रखा हुआ है जिसमें मैं पैसा रखता हूँ, उसमें से पैसे जितने भी थे निकाल लिए गए हैं। मेरे दराज 3 दराज हैं, टेबल टेनिस दराज है, मेरे दराज में भी पैसा रखा था। लगभग कितना पैसा था उसमें? लगभग मेरा जो है 8.5 लाख रुपये जो है कैश सब चोरी चली गई है। उसके बाद और कौन सा सामान? इसके बाद जो है सर मेरा वाईफाई था, बीएसएनएल का वाईफाई राउटर था, डोमेन था, वाईफाई ब्लूटूथ था, वाईफाई कैमरा चलाने के लिए जितने भी उपकरण थे, लगभग उपकरण में कुछ नहीं तो 2 लाख के लगभग वो सब जो है सिक्योरिटी के लिए जो रखा गया था वो सब दे गया। इसके साथ मेरा लैपटॉप का बैग जिसमें कि मेरे कुछ दस्तावेज थे और कुछ उसमें छूटे पैसे थे। मैं मार्केटिंग में जब मैं जाता हूँ तो कुछ उसमें पैसे रखता हूँ, लगभग 10-15 हज़ार के जो उसमें भी रकम थी, वो भी बैग के साथ चेक बुक के साथ वो मेरा बैग भी नहीं मिला। क्या इससे पहले भी आपके यहाँ ऐसा चोरी हुआ? जी, इससे पहले 2014 में मेरे दुकान के आगे जब सीसीटीवी कैमरा नहीं था उस समय वेंटिलेटर तोड़ने की प्रयास की गई। इसकी मैंने लिखित सूचना अपने मुसफ्फिल थाना में दर्ज कराई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई सूचना दर्ज नहीं किया गया, नहीं रिपोर्ट लिखा गया और नहीं उसके बाद कोई गश्ती की गई। पुलिस गश्ती नहीं करती? नहीं करती है। आज जब मैंने 5:30 बजे मुसफ्फिल थाना के जो थाना अध्यक्ष है उनके नंबर पर फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन रिंग तो बज रही थी लेकिन रिंग तो फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था। इसके बाद हमने टोल फ्री नंबर 100 पे भी कॉल किया, उस पर कॉल करने के बाद में उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ से भी कनेक्ट नहीं हो पाया। इसके उपरांत मैंने DSP को कॉल लगाया। DSP के कॉल लगाने के बाद में मेरे के यहाँ लगभग 9 बजे जो है कुछ पुलिस वाले आए और इंक्वायरी किए और चले गए। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम कुमार ज्योति प्रकाश है, मैं इस व्यवसाय का मालिक हूँ।